बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 12 रबी अव्वल में सिर्फ 2 दिन है। आज है फ्राइडे, कल सैटरडे, 10 मुहर्रम, कल 11, फिर परसों 12 रबी अव्वल, सॉरी मुहर्रम। 12 रबी अव्वल को क्या हुआ था? कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता। कुछ बार रबी अव्वल बनाते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि 12 रबी अव्वल में क्या हुआ। तो इंशाल्लाह आज इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 12 रबी अव्वल में को क्या हुआ था और 12 रबी अव्वल हम क्यों मनाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 रबी अव्वल को हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। जब वो आने वाले थे इस दुनिया में तो हर तरफ नूर ही नूर, सूरज से धूप की वजह नूर, हर जगह नूर ही नूर। लोग जहाँ पे भी देखे चारों दीवारी हर तरफ नूर ही नूर। फिर अचानक से खबर आई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मतलब कि अभी जिब्रील भी उतरे ना थे काबे के मिंबर से, कितने में सदा या अब्दुल्ला के घर से मुबारक हो सहरे दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ। इंशाल्लाह ये नाम भी मुझे जल्दी आई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हर तरफ रौनक ही रौनक, नूर ही नूर फैला हुआ था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा उस दिन दुनिया में आए थे और उस दिन 12 रबी अव्वल था, तो वो उनकी पैदाइश का दिन था, तो इसलिए हम लोग 12 रबी अव्वल बनाते हैं। तो कुछ लोगों को नहीं पता होता कि 12 रबी अव्वल में हुआ क्या था, लेकिन उनको बनाना है। 12 रबी अव्वल सब बना सकते। 12 रबी अव्वल को हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, तो उनकी पैदाइश की खुशी में हम लोग ये 12 रबी अव्वल बनाते हैं। आप लोग भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं इसमें। फिर ये सब के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन फैलाया, इस्लाम फैलाया, और वी आर प्राउड टू बी उम्मत मुस्लिम। हमारे आखिरी भी कौन? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान किस पे नाजिल हुआ? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने खुद ने फरमाया था अना खातमुन नबीयीन ला नबिया बादी, मैं आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई नबी पैदा ना होगा। ये उन्होंने फरमाया था हदीस है, और उनकी बहुत सारी हदीस हैं, आप लोग भी पढ़ा करें। और हदीस की जो किताब है आसान नमाज, उसमें 40 हदीस हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जो शख्स, लिखा हुआ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये 40 हदीसें याद कर लेगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन शहीदों और आलिमों के साथ खड़े करेंगे और फरमाएंगे कि जिस दरवाजे से जन्नत में जाना चाहो चले जाओ। जन्नत के 8 दरवाजे, और जन्नत में जाने के लिए हमें क्या चाहिए? जन्नत की चाबी, जन्नत की चाबी क्या है? नमाज। नमाज पढ़ेंगे तो ही जन्नत हासिल होगी। और जन्नतें भी बहुत सारी हैं, सबसे आला जन्नत है जन्नतुल फिरदौस। कुरान मैंने सुना था कि जो नीचे वाली जन्नत है उसमें एक अच्छी सी खुशबू गुजरेगी। वो सारे लोग अल्लाह से पूछेंगे या अल्लाह ये खुशबू कहाँ से आई, तो अल्लाह फरमाएंगे कि तुमसे ऊपर जो जन्नत है वहाँ पे एक बंदा सो रहा था, उसने करबट ली, तो ये खुशबू जब है। सुबहानअल्लाह। और वो करबट लेने वाले हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। तो इसलिए दीन फैलाएं, दीन पे अमल करने की तौफीक मिल सकती है। आमीन।
और एक सवाल था कि क्या जन्नत में लोगों को अल्लाह का दीदार होगा? जी हाँ बिल्कुल, हर जुम्मे के दिन जन्नत के लोगों को अल्लाह का दीदार होगा। हर जुम्मे के दिन लोग वो लोग ऐसा करेंगे कि जुम्मा आएगा वो अल्लाह को देखते रह जाएंगे, कब रात कब दिन कब सुबह हो जाए, नहीं वापस आती नहीं, ऐसे देखते रह जाएंगे, फिर जुम्मा ख़त्म, फिर वो इंतज़ार कर देंगे कि कब अगला जुम्मा आएगा और हम कब अल्लाह को देखेंगे। और अल्लाह सूरतुर रहमान पारा नंबर 27 कुरान में है, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, मगरिब और मशरिक की तरफ एक समंदर है। फबी आला यु रब्बी कुमा तुकज़िमान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को लाओगे। मरजल बहरैन यल्तगियान कुरान में, मरजल बहरैन यल्तगियान, हमने दो समंदर मिलाए, मरजल बहरैन यल्तगियान, हमने दो समंदर बनाए, बैनहुमा बर्रुज़ुल ला यबगियान, जिनका पानी अलग अलग है, एक मशरिक की तरफ है एक मगरिब की तरफ है, हमने दो समंदर मिलाए जिसका एक पानी अलग है एक पानी अलग है। फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिल जाऊँगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।